की स्थिति दिखा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आग के वजह से, देखिए इसकी स्थिति क्या होगी। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, भैया बताएंगे आग ये नहीं लगा क्या। है समझो, उसका ताव का प्रभाव है, आग अच्छा, लगा रहता है तो बचा ही नहीं रहता ये। मतलब आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते कि कितना कितना अच्छे से इसे आग जब लगा, पथराव हुआ है, तो देखिए कैसे खिड़कियों की ग्लास टूटी हुई है, और देखिए अगर इस आग के वजह से जो धुआं निकला था उसकी वजह से आपको यहाँ काला काला दिखाई दे रहा होगा। इससे बिल्कुल जो उस दिन की स्थिति है, जो घटना है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की स्थिति आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये कवर करते करते हम एक रूम में पहुँचे, और देखिए अगर इस रूम की स्थिति दिखाते, पथराव की वजह से देखिए ये आपको जो ग्लास का जो दरवाजा है वो टूटा हुआ दिखाई देगा, और इधर की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए पीछे से जब पथराव हुआ है, तो देखिए कैसे खिड़कियों की ग्लास टूटी हुई है, और देखिए अगर इस पूरे रूम की बात करूँ तो देखिए आग के वजह से और पथराव की वजह से इसकी स्थिति क्या हो गई, आपको बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रही होगी। और देखिए मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ जितने भी जला हुआ फाइल था उसे बाहर निकाल दिए गए, और जो ठीक दिखाई दे रहा है उसे यहाँ रखा गया। फिर भी आपको यहाँ आग के वजह से जो धुआं निकला था उसकी वजह से आपको यहाँ काला काला दिखाई दे रहा होगा। इससे बिल्कुल जो उस दिन की स्थिति है, जो घटना है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उस दिन क्या स्थिति रही होगी। देखिए ये अलमारी है, कार्यालय की अलमारी दिखा रहा हूँ आपको, देखिए कैसे, देखिए ये भी जल गया, और इधर देखिए फाइल को देखिए, पूरा फाइल भी जल गया है, और जो ज़्यादा रूप से जला है उसे बाहर निकाल दिया गया है। और देखिए यहाँ रिपेयरिंग करने वाले लोग भी पहुँच गए। देखिए मैं आपको कंप्यूटर दिखा रहा हूँ, देखिए ये क्या है भैया, प्रिंटर क्या है, ये प्रिंटर है। देखिए प्रिंटर की स्थिति दिखा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आग के वजह से, देखिए इसकी स्थिति क्या होगी। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, भैया बताएंगे ये क्या है, प्रिंटर है ना, इधर आइए ना थोड़ा, ये आग के वजह से हुआ है ना। जी 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 अच्छा, फोटो कॉपी मशीन है ये। अच्छा, हाँ फोटो तो कॉपी, पहले बिल्कुल बढ़िया था, चालू हालत में चालू था, चालू तो अभी क्या लगता है आपको कि कितना भीषण आग रहा होगा जिसके वजह से ऐसा हो गया ये? है। तो इसमें आग ही नहीं लगा है समझो, उसका ताव का प्रभाव है, आग अच्छा, लगा रहता है तो बचा ही नहीं रहता ये। मतलब आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते कि कितना कितना आग लगा होगा। देखिए उसके आँच से देखिए ये पूरा पिघल गया है, तो लगता है ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल रिप्लेस करना पड़ेगा, बिल्कुल ख़राब हो गया सर। अच्छा, और कुछ ये नहीं आएगा वाला। अच्छा देखिए उस दिन जो आंदोलनकारी जो घटना को अंजाम दिए थे उसके चलते देखिए सरकारी संपत्ति का कितना नुकसान हुआ है। पूरे अगर हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय की बात करें तो सभी रूम में आपको यही स्थिति दिखाई देगी। हम लोग ऊपर गए थे कलेक्टर ऑफिस में, वहाँ भी कंप्यूटर की यही स्थिति। अच्छा भैया ये क्या है, ये प्रिंटर है, यह भी चला गया। अच्छा अब दूसरा लाना पड़ेगा। हाँ सब नया ही मतलब रहेगा। अच्छा ये तो काम का ही नहीं आएगा ना सर, पूरा गल गया है इसका जो प्लास्टिक बॉडी है। और बताएंगे और क्या क्या नुकसान हुआ है यहाँ? वो तो रहने के लिए वो तो पूरा पेपर ही नुकसान हो गया सर, पूरा जल गया, पूरा जल गया जितना भी था। अभी आर के शाखा मतलब मेन है, अच्छा। तो इसका पूरा डाटा यहीं पे रहता है, ये पीछे भी ऑफिस है वहीं का, यहाँ पे पूरा रेक में लगा था, मतलब पूरा जितने भी दस्तावेज है सबको फिर जल गया, पूरा जल गया। अच्छा जितने भी जरूरी जानकारी थी वो पूरा जल गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया समझो। और अच्छा ये बताइए, तो सिर्फ इसी रूम की स्थिति, आप रिपेयरिंग करें दूसरे रूम में भी गए होंगे तो वहाँ की क्या स्थिति है? वहाँ देखा नहीं हूँ फिलहाल, तो यहीं का देख रहा हूँ सर। अच्छा। देखूँगा कंप्यूटर का सीपीयू, देखिए आग के चलते उस दिन जो आग लगाया गया था उसके चलते देखिए कैसे पूरा सीपीयू जल गया। और देखिए एक और प्रिंटर है, ये यूपीएस है, और ये क्या है नीचे का, ये भी प्रिंटर है क्या? लगभग अगर कॉस्ट की बात करें तो कितने का सामान रहा होगा, इतने अगर इतने का बात करते हो कितना का होगा? ये इतना मतलब तो आप कहा नहीं जाता, 1.5-2 लाख का है मिनिमम, 1.5-2 लाख का। हाँ लेकिन अगर पूरा सामान गिनेंगे तो 32-32 लाख का मतलब ऐसा नुकसान है एक ही कमरा का कहा जाए तो। अच्छा जो ये कास्ट टूटा है देखिए ये वाला, ये कहीं ना कहीं पथराव की वजह से टूटा है लगता है, पथराव की वजह से ही टूटा है, इधर भी टूटा पूरा, उधर भी टूटा है, अच्छा सब पथराव की ही वजह से है। अब इस रूम की स्थिति दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे पूरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। देखिए आग के चलते उस दिन जो आंदोलन हुआ था उसके चलते देखिए कहीं ना कहीं यहाँ जो सरकारी काम काज है ठप नज़र आ रही है। और मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, इस तरीके का जो घटना घटती है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है, अशोभनीय है, चिंताजनक है। इस तरह की घटना भविष्य में नहीं होना चाहिए, अगर इस तरीके की घटना अगर भविष्य में होती है तो ये मानव जाति के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।